ग्वालियर में सगाई तोड़ने पर वरवधु के बीच विवाद हो गया। विवाद में पली रंजिश पर युवक को घर में घुसकर लड़की पक्ष के पिता, भाई और एक अन्य मिलकर गोली मार दी। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी अयोध्या नगरी की है। जिस वक्त युवक को गोली मारी तब वो वहां घर में अकेला था। घायल युवक के पेट में गोली लगने से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। दरअसल ग्वालियर शहर जनकगंज थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी अयोध्या नगरी में रहने वाला आदेश परिहार मूलत भितरवार किटूना गांव का रहने वाला है और यहां रहकर मजदूरी करने का काम करता है। आदेश के परिवार वालों ने इसकी सगाई 8 माह पहले बड़ेरा गांव के रहने वाले अशोक परिहार की बेटी रंजना से कराई थी। इस बीच दोनों युवक और युवती ने फोन पर बातचीत करना शुरू कर दी थी। युवक के परिवार वालों को जब पता चला कि युवती का रिश्तेदारों में ज्यादा आना जाना लगा रहता है तो उसे रोकना और टोकना शुरू कर दिया। इस बात का बुरा लड़की उसके पिता भाई को लगने लगा तो उन्होंने 10 दिन पहले ही सगाई को तोड़ दी। सगाई तोड़ने पर वरवधु के दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद लड़की के पिता ने मन ही मन रंजिश ठान ली। जब आज बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात युवक आदेश अपने घर के अंदर अकेला सो रहा था तभी अशोक परिहार, उसका बेटा सोनू परिहार और एक अन्य उसके घर के अंदर घुस आए और युवक आदेश को देखते ही देखते उसे गोली चला दी। एक गोली आदेश के कमर के ऊपर दाहिनी तरफ पेट में जा लगी जिसे लहूलुहान होकर वहां जमीन पर गिर गया। उसे मरा समझकर तीन आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल युवक ने गोली लगने की सूचना अपने परिवार वालों और पुलिस को दी तभी पुलिस और परिवार वालों से घायल हालत में लेकर जयरोग अस्पताल पहुंचे। रात के करीबन 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई, ये श्रीराम कॉलोनी अयोध्या बस्ती थाना जनकगंज में है, वहाँ फरियादी आदेश परिहार को गोली मार दी। इसमें पता ये लगा कि चूंकि इनकी सगाई का कार्यक्रम हो चुका था और इन्होंने आखिरी समय ये कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, तो लड़की पक्ष वालों ने उनको जानलेवा हमला किया। इस पर थाना जनकगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें 3 आरोपी हैं, इसमें हरिओम और अशोक एवं सोनू परियार, इन पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है।